Hello friends, in this video, from phonetics point of view, I will talk about a very important topic, and the name of the topic is place of articulations. So, what is the meaning of place of articulation? Place of articulation means where the sounds are produced, ki sounds kahan se bole jaate hain. That is called place of articulation, where the sounds are produced. और जब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर. कौन कौन से आर्टिकुलेटर होता है? वन इज एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड द सेकंड इज पैसिव आर्टिकुलेटर. वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेटर. हम दो प्रकार के आर्टिकुलेटर की बात करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. सो व्हाट आर एक्टिव आर्टिकुलेटर्स? तो ये क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स. So active articulators are those articulators which move. वो articulators होते हैं जो move करते हैं. Move किसकी तरफ करते हैं? Toward the passive articulator. Passive articulator क्या होते हैं? Which don't move, जो move नहीं करते. अब हमारे active articulators कौन कौन से होते हैं? If we talk about active articulator, तो active articulator में एक तो हमारा होता है lower lip. And second, the tongue. So two articulators are active. One is the lower lip and the second is the tongue. And you know, और आपको पता है कि tongue, कि when we talk about place of articulation or when we describe consonant sounds, so the tongue is divided into four parts. Tongue को हम चार parts में divide करते हैं. वो कौन कौन से parts होते हैं? One is called the tip. Second is called the blade, third is called the front, and the fourth is called the back. So when I talk about tongue, जब मैं tongue की बात करता हूँ, तो मैं इन चार articulators की बात करता हूँ, tip, the blade, the front, the back. So ये हमारे active articulators होते हैं, lower lip, the tip, the blade, the front, and the back. And all the other remaining articulators in the articulatory system. हमारे articulatory system में जितने भी बाकी जो हमारे जो organs रह गए, जो articulators रह गए, for example the upper lip, the teeth, and the palate. ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा होता है मुंह का, ये जो हिस्सा होता है, इसे हम palate कहते हैं, इसे हम roof of the mouth भी कहते हैं, मुंह की छत भी कहते हैं. And you know कि अगर हम जब when we describe consonant sounds, so the palate, जो हमारी palate होती है, it is divided into, if I talk about palate, so palate is divided into three parts. Palate को हम तीन parts में divide करते हैं. जब हम किसकी बात करते हैं, consonant sound की, वो कौन कौन से होते हैं? First is called the teeth ridge. इसको हम teeth ridge कहते हैं. इसका एक और नाम भी होता है, शायद आपने सुना होगा, एल्वियोली. एल्वियोली और द टीथ रिज, सेम थिंग. सेकंड इज द हार्ड पैलेट एंड थर्ड इज द सॉफ्ट पैलेट. तो आपको याद रखना है कि व्हाइल डिस्क्राइबिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, द पैलेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. And that is the teeth ridge or the alveoli, the hard palate and the soft palate. So, हमारे active articulators तो हो गए lower lip, the tip, the blade, the front and the back of the tongue. और हमारे passive articulator बाकी सारे हो गए, वो कौन कौन से हो गए हमारे? That is upper lip, teeth, alveoli or the teeth ridge, the hard palate and the soft palate. ये हमारे सारे क्या होते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर. और जब भी हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, तो हमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमेशा ये बताना होता है कि आर्टिकुलेटर कौन कौन से हैं, उसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा है और पैसिव आर्टिकुलेटर कौन सा है, और कितने उस आर्टिकुलेटर की सहायता से साउंड बोले जाते हैं. अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पहली जो टर्म है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में, वो है bilabial. अब bilabial, एक्चुअली ये जो टर्म्स हैं bilabial, और भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये क्या होते हैं? हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर के एडजेक्टिव होते हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर के विशेषण होते हैं. तो इसमें हम पैसिव आर्टिकुलेटर के एडजेक्टिव यूज करते हैं, ये आपने ध्यान रखना.
बहुत आसान है इनको याद रखना, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फनेटिक्स में अगर आप क्रैम करोगे तो भूल जाओगे, और अगर आप कंसेप्ट को समझोगे तो आपको कभी भी आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब इसके नाम से ही देखते हैं, बाइलेबियल, तो बाई मैंने क्या होता है आपको पता है टू, और लेबियल मैंने क्या होता है, लेबियल किसका एडजेक्टिव होता है, लिप्स, मींस ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड जिनको बोलने में क्या यूज होते हैं, टू लिप्स यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइलेबियल साउंड। अब हमने बताना है इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा, पैसिव आर्टिकुलेटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या होगा, लोअर लिप, और पैसिव आर्टिकुलेटर क्या होगा, अपर लिप। बस ये चीजें बतानी है, टू लिप्स आर आर्टिकुलेटर, लोअर लिप इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड अपर लिप इज द पैसिव आर्टिकुलेटर। और हम फोर बाइलेबियल साउंड्स बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, प ब, एक तो हमारा प ब होता है, सेकेंड इज म, एंड द थर्ड इज व, प ब म एंड व, दीज फोर आर बाइलेबियल साउंड्स। सो पहली हमने टर्म कर ली, दैट इज बाइलेबियल। Come to the second, and the second is called labiodental. Labiodental. Again, इसका नाम क्लियर है, लेबियो कहां से बना, लिप से, डेंटल कहां से बना, टीथ से। इसका मतलब ये वो साउंड होते हैं जिनके बोलने में क्या यूज होता है, लिप और टीथ यूज होते हैं। अब कौन सा लिप यूज होगा, इसको बोलने में क्या होगा, लोअर लिप यूज होता है, क्योंकि एक्टिव आर्टिकुलेटर बताना, एक्टिव आर्टिकुलेटर हमारा लोअर लिप होता है, अपर वाला तो पैसिव होता है, और टीथ हमारे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। सो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि लोअर लिप होगा। अब लोअर लिप का कौन सा पार्ट होता है, लोअर लिप का होता है इनर पार्ट, क्योंकि हमारा जो इन जो हमारा लोअर लिप है उसके दो पार्ट है, एक तो ये हमारा फ्रंट और एक पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनर पार्ट। तो इसमें क्या होगा, इनर पार्ट ऑफ द लोअर लिप तो एक्टिव आर्टिकुलेटर होगा, और दांत भी हमारे दो प्रकार के, एक होते लोअर एक होते अपर, तो इसमें कौन से हमारे टीथ होंगे, वो होंगे अपर फ्रंट टीथ। तो हमारे जो अपर फ्रंट टीथ, जो ऊपर वाले टीथ है और उसका जो फ्रंट पार्ट है, वो हमारा क्या होगा, पैसिव आर्टिकुलेटर, एंड इनर पार्ट ऑफ द लोअर लिप विल बी द एक्टिव आर्टिकुलेटर। दो साउंड बोलते हैं हम, कौन कौन से बोलते हैं, वो बोलते हैं पर्व, देखो मैं बोल के दिखा रहा हूं आपको, क्या यूज हो रहा है, इनर पार्ट ऑफ द लोअर लिप हल्का सा स्लाइटली से टच करता है किसको, द फ्रंट अपर टीथ को, एंड दैट इज पर्व। तो हमारे टू साउंड्स होते हैं यहां पर, फ एंड व, तो आप ये याद रख सकती हो। कम टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, एंड द थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड डेंटल। इसमें हम जो तीसरी कैटेगरी लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेंटल। डेंटल मींस, डेंटल कहां से आया हमारा, टीथ से। तो इट मींस पैसिव आर्टिकुलेटर तो मिल गया, पैसिव आर्टिकुलेटर हमारा टीथ हो गया। अब एक्टिव आर्टिकुलेटर कहां होगा, अब यहां पर जो एक्टिव आर्टिकुलेटर वो होगा, वो क्या होगा, टिप ऑफ द टंग। तो टिप ऑफ द टंग क्या होगा हमारा, एक्टिव होगा, और पैसिव क्या होगा, टीथ। लेकिन कौन सा टीथ, टीथ में हमारे दो हैं लोअर और अपर, कौन सा, अपर टीथ, अपर टीथ होगा। अब अपर टीथ के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा फ्रंट पार्ट और एक होता है इनर पार्ट, जो हमारे ऊपर वाले दांतों का बैक पार्ट को हम क्या कहते हैं, इनर पार्ट। तो यहां पर जो हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर होगा वो हमारा क्या होगा, इनर पार्ट, इनर पार्ट ऑफ अपर टीथ। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि टिप ऑफ द टंग दांतों से निकल के बाहर आके टच करे, वो कहां करेगा, पीछे टच करेगा। सो हेयर पैसिव आर्टिकुलेटर विल बी द इनर पार्ट ऑफ द अपर टीथ, एंड द एक्टिव आर्टिकुलेटर विल बी द टिप ऑफ द टंग। और यहां पर हम टू डेंटल साउंड्स बोलते हैं, वो कौन से होते हैं, आप बोल के भी देख लीजिए, आप महसूस भी कर सकते हो, जब आप बोलोगे तो देखिए आपकी टिप कहां हल्की सी टच होगी इनर पार्ट ऑफ द अपर टीथ से, और वो कौन से साउंड होते हैं, थर्ड, थर्ड, आप बोल के देख लीजिए, थर्ड, तो थ and the, these are the symbols of the sound third. बोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, this is the third category and that is called dental. Come to the fourth category. Fourth category is called alveolar. Alveolar. अब alveolar word कहां से आया, it has come from the word alveoli. Alveoli मैंने आपको बताया था,
Alveoli का मीनिंग क्या होता है? टीथ रिज. मैंने आपको बताया था दैट व्हाइल डिस्क्राइबिंग कॉन्सोनेंट साउंड पैलेट इज द पैलेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, टीथ रिज, हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट, मींस द Alveoli. तो यहां पर हमारा जो पैसिव आर्टिकुलेटर होगा वो तो हमारी क्या होगी? Alveoli, और यह क्या होगा? टीथ रिज. तो ये तो हमारा क्या होगा? पैसिव आर्टिकुलेटर. अब एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या होगा? एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने हमने कहा था टंग को फोर पार्ट्स में बांटते हैं. टिप, टिप तो बिल्कुल ये वाला पार्ट होता है, बिल्कुल आगे वाला, दिस इज कॉल्ड टिप्पा, टिप. और जो ब्लेड, पता क्या होता है? ब्लेड टंग का वो हिस्सा होता है जो किसके ऑपोजिट होता है? टीथ रिज के. तो अगर मेरे दिमाग में अगर मैं टीथ रिज बोलता हूं तो इमीडिएटली मेरे माइंड में क्या आना चाहिए? ब्लेड ऑफ द टंग. क्योंकि मैं अगर ब्लेड ऑफ द टंग बोलता हूं तो वो किससे जुड़ा हुआ है? टीथ रिज से. क्योंकि ब्लेड ऑफ द टंग क्या होता है? द पार्ट ऑफ द टंग जस्ट ऑपोजिट टू द टीथ रिज. सिमिलरली जो हमारा फ्रंट ऑफ द टंग होता है वो किसके ऑपोजिट होता है? इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द हार्ड पैलेट. अगर मैं फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग की बात करूंगा तो हार्ड पैलेट इमीडिएटली मेरे माइंड में आना चाहिए. सिमिलरली जो हमारा बैक ऑफ द टंग होता है दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू द सॉफ्ट पैलेट. तो याद रखना. तो यहां टी थ्रीज आ गए, तो टी थ्रीज के ऑपोजिट टंग का क्या हिस्सा होता है? ब्लेड. तो यहां पर क्या हुआ? द ब्लेड ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर हुआ और टी थ्रीज हमारा क्या हो गया? पैसिव आर्टिकुलेटर. और यहां पर हम कितने साउंड्स बोलते हैं? वी प्रोड्यूस six sounds. There are six alveolar sounds. कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सर्ज, टर्ड और न एंड ल. So these are the six alveolar sounds in English. Active articulator is the blade of the tongue and the passive articulator is the teeth ridge. Come to the next category, fifth category. And the fifth category is called Post alveolar. Post मैंने क्या होता है? Post का मतलब होता है back, पिछला हिस्सा. इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, rear, पिछला हिस्सा. कौन सा? अब post alveolar. It means हमारा passive articulator क्या हुआ? यहां alveolar आ गया. Alveolar means teeth ridge. It means passive articulator is the teeth ridge or the alveoli. अब एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा है? हेयर इन पोस्ट एल्वियोलर द एक्टिव आर्टिकुलेटर इज टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग. और पैसिव आर्टिकुलेटर भी क्या होगा? बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज. टीथ रिज का पीछे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं रियर पार्ट ऑफ द टीथ रिज. और एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या होगा? टिप ऑफ द टंग. क्योंकि जब हम इस साउंड में, देयर इज वन पोस्ट एल्वियोलर साउंड एंड दैट इज र, वो हमारा र होता है. और जब हम र को बोलते हैं, आप बोल के देख लीजिए, जब हम र को बोलते हैं तो टिप ऑफ द टंग क्या करता है? रोल बैक करता है, पीछे की तरफ जाता है. कौन से हिस्से की तरफ जाता है? बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल के दिखाता हूं, र. तो हमारा जो टिप ऑफ द टंग है वो क्या हुआ? रोल बैक हुआ, पीछे होता है, ऐसे रोल बैक करता है. किसकी तरफ? बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज. सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट एल्वियोलर एंड देयर इज अ सिंगल पोस्ट एल्वियोलर साउंड एंड इट इज र. एंड द एक्टिव आर्टिकुलेटर इज द टिप ऑफ द टंग एंड द पैसिव आर्टिकुलेटर इज द बैक पार्ट ऑफ द टीथ रिज. Come to the next part. And the next part is called palatoalveolar. Palatoalveolar. और alveolar किसका होता है? Teeth ridge. उसका adjective होता है. कहां से बना है? Alveoli से. Alveoli भी कह सकते हैं. और plato किसका adjective होता है? It is the adjective of a hard palate. Hard palate. तो आपको दो passive articulator तो मिल गए. तो यहां दो पैसिव आर्टिकुलेटर होंगे. वन इज द टीथ रिज और द एल्वियोलर Alveoli एंड द सेकेंड पैसिव आर्टिकुलेटर इज द हार्ड पैलेट. और मैंने आपको बताया था टीथ रिज के ऑपोजिट टंग का हिस्सा क्या होता है? द ब्लेड. और हार्ड पैलेट के ऑपोजिट क्या होता है? द फ्रंट. ये कभी मत भूलना. इट मीन्स टीथ रिज एंड द हार्ड पैलेट दे आर द पैसिव आर्टिकुलेटर, द ब्लेड एंड द फ्रंट ऑफ द टंग they are the active articulators. Clear? अब यहां पर sounds कितने बोलते हैं? How many plato-alveolar sounds are there? There are four plato-alveolar sounds. Four plato-alveolar sounds are there. What are they? They are ch, j, ch, j,
or second is sh and z. So there are four plateau alveolar sound and they are chaja, sh, z. So they are plateau alveolar sounds. I think you are able to understand. Come to the next category. And the next category is called, seventh category is called palatal. अब palatal आपको बताया था, ये कहां से बना? Hard palate का adjective होता है. So it means passive articulator is the hard palate. And what is the part of the tongue? Tongue के opposite जो part का tongue होता है, उसको हम क्या कहते हैं? That is called the front of the tongue. Front of the tongue. So, front of the tongue is the active articulator and the hard palate is the passive articulator. ये याद रखना है कि जब भी हम क्या करते हैं, hard palate mind में आएगी तो एकदम front of the tongue हमारे दिमाग में आएगा. So, hard palate is the passive articulator, front of the tongue is the active articulator and there is only one palatal sound in English and that sound is year. That sound is year. Year, clear? Year in young, clear? So that is palatal sound. Come to the eighth category. Eighth category is called velar. Eighth is called velar. Now, velar is the adjective of the soft palate. So here, passive articulator is the soft palate. और मैंने आपको बताया था, soft palate के opposite tongue का हिस्सा क्या होता है? The back. The back of the tongue. So back of the tongue is the active articulator and the soft palate is the passive articulator. And there are three velar sounds in English. वो कौन-कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे क, ग, and one is ng. क, ग, ng. These are three velar sounds. Now come to the last category. And last category of place of articulation is glottal. Glottal. अब glottal कहां से बना है? The word glottis has come from the glottis. अब glottis क्या होता है? Glottis is the space between the vocal cords. Vocal cords के बीच में जो space होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम glottis कहते हैं. Vocal cords. So it means glottal sound कौन सा होता है? Glottal sound is that sound which is produced with the help of the vocal cords. जो vocal cords की सहायता से बोला जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? Glottal sound कहते हैं. क्योंकि जब हम इस sound को बोलते हैं, there is obstruction. Vocal cords में obstruction होती है, जिसके कारण क्या होती है? एक friction पैदा होती है. यहाँ पर एक glottal sound होता है, और वो कौन सा होता है हमारा sound? जो हमारा लास्ट रह गया कंसोनेंट साउंड एंड दैट इज ह. आप देख सकते हो यहां पे टच कीजिए, जब बोलोगे तो यहां आपको ह, तो दैट इज ग्लॉटल साउंड. सो ग्लॉटल साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स एंड देयर इज वन ग्लॉटल साउंड एंड दैट इज ह. सो दैट इज योर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. इसको क्रैम करने की कोशिश मत करना, कांसेप्ट को समझिए. टर्म्स में ही पता आपको बताया गया है कि पैसिव आर्टिकुलेटर क्या है, उसका ऑपोजिट आपको बताया है, वो याद रखिए, तो उससे एक्टिव आर्टिकुलेटर हो जाएगा. तो आई थिंक कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट सो मेनी स्टूडेंट्स मे बी